हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो देखिए, हम लोग चैप्टर कर रहे थे अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का। तो हमने ये जाना था अभिप्रेरणा में कि अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक प्रेरक है, एक ऐसा आंतरिक बल होता है जो कि व्यक्ति को उसके लक्ष्य की ओर जो है आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर करता है। ठीक है, अभिप्रेरणा के द्वारा व्यक्ति जो है अपने अधिगम मार्ग जो है उस पर चल पड़ता है और तब तक चलता है जब तक उसे अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो उसके बाद देखेंगे हम अभिप्रेरणा के स्रोत, अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया है उसमें कौन कौन से स्रोत जो है वो कार्य करते हैं। तो सबसे पहला है आवश्यकता, यानी नीड। तो देखिए, जो आवश्यकता है उसके द्वारा ही व्यक्ति जो है वो कोई भी क्रिया करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आवश्यकता जो है ये अभिप्रेरणा चक्र का सबसे पहला चरण है। अभिप्रेरणा को आधार प्रदान करने का कार्य जो है वो आवश्यकता के द्वारा किया जाता है। आवश्यकता ही वो तत्व है जिसके अभाव में अभिप्रेरणा चक्र को प्रारंभ नहीं कर सकते। जब हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी तो हम क्रिया नहीं करेंगे और आगे की ओर नहीं बढ़ना चाहेंगे। तो देखिए, व्यक्ति में मुख्य रूप से दो तरीके की आवश्यकताएं होती हैं। हमने पहले देखा था, एक तो होती है कौन सी आवश्यकता, एक तो होती है जैविक आवश्यकता, दूसरी होती है सामाजिक आवश्यकता। जैविक आवश्यकता जो कि उसके शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित होती है, जैसे कि भूख है, प्यास है, काम है, मलमूत्र त्याग करना है, नींद है, ये व्यक्ति की कैसी आवश्यकताएं हैं, जैविक आवश्यकताएं हैं जिनको पाने के लिए व्यक्ति कार्य करता है और आगे की ओर प्रेरित होता है। दूसरी जो आवश्यकता होती है वो होती है सामाजिक आवश्यकता। तो जैसे कि धन कमाने की आवश्यकता है, ये सामाजिक आवश्यकता है। ठीक है, दूसरों से संबंध स्थापित करने की आवश्यकता या उपलब्धि प्राप्त करने की जो आवश्यकता है, तो ये सभी सामाजिक आवश्यकता में कही जाएगी। तो जैविक आवश्यकता और सामाजिक आवश्यकता, इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति जो है वो कार्य करता है और कार्य करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, तो आवश्यकता के अभाव में अभिप्रेरणा चक्र जो है वो स्टार्ट ही नहीं होता है। तो अभिप्रेरणा के का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, जो कि प्रथम स्रोत है, वह कौन सा है, आवश्यकता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर है देखिए चालक। चालक जो है जिसे प्रणोद, अंतर्नोद, ड्राइव्स कहा जाता है। तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है, आवश्यकता से होती है। आवश्यकता क्यों उत्पन्न होती है, जब हमें किसी चीज की कमी पड़ जाती है तभी हमें जो है उसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भोजन और पानी की जो है आवश्यकता है। तो इसको आगे ले जाने का कार्य कौन करेगा, चालक करेगा। ठीक है, चालक यानी कि चलाने वाला, ऐसा इसको समझिए। तो जैसी आवश्यकता होती है उसी के अनुरूप जो है वो चालक पैदा किया जाता है। तो जब किसी बालक में किसी तरीके की आवश्यकता उत्पन्न होती है, जैसे कि भोजन की जो है आवश्यकता हुई है, तो चालक जो है वो क्या है, भूख है। भूख ही जो है उसको भोजन की प्राप्ति के लिए आगे कार्य करने को प्रेरित करेगी। ठीक है, तो भूख आवश्यकता में व्यक्ति में भूख चालक और प्यास आवश्यकता में व्यक्ति में प्यास चालक जो है वो उत्पन्न होता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर प्रोत्साहन या उद्दीपन, वह होता है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और जिसकी प्राप्ति से उसकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो जाती है और जो चालक है उसमें कमी हो जाती है। तो जैसे एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन जो है लक्ष्य तथा प्रोत्साहन होता है जो व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जैसे ही उसकी प्राप्ति हो जाती है भूख की आवश्यकता जो है समाप्त हो जाती है और क्रियाशीलता और तनाव की स्थिति जो है वह भी व्यक्ति में कम हो जाती है। तो यहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, भोजन मिल गया, पानी मिल गया, तो व्यक्ति जो है वो संतुष्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रोत्साहन है ये भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है धनात्मक प्रोत्साहन और दूसरा होता है ऋणात्मक प्रोत्साहन। तो धनात्मक प्रोत्साहन वह होता है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसे प्राप्त करने से ही उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो भोजन और पानी जो है वो कैसे प्रोत्साहन हुए, धनात्मक प्रोत्साहन हुए, क्योंकि उसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है उसको संतुष्ट हो गया। ठीक है, उसे संतुष्टि की प्राप्ति हो गई। और इसी प्रकार कुछ प्रोत्साहन ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति दूर भागना चाहता है, क्योंकि इनसे दूर रहने से ही उसकी आवश्यकता पूरी होती है। कैसे, जैसे दंड है या किसी की आलोचना है। ठीक है, तो ये इस तरीके के प्रोत्साहन होते हैं जिनको व्यक्ति जो है उनके नजदीक नहीं आना चाहता बल्कि उनसे भाग जाना चाहता है, तब उसकी आवश्यकता की पूर्ति होती है।
ठीक है, तो यहां पर आवश्यकता जो है क्या हुई, शरीर में जब तरल पदार्थों की कमी हो जाती है, भोजन पानी की कमी हो गई, तो वो आवश्यकता कहलाई। ठीक है, अंतर्नोद या चालक क्या हुआ, प्यास हो गई या भूख हुआ। प्रोत्साहन क्या हो गया, पानी और भोजन की प्राप्ति जो है वह प्रोत्साहन हो गया। तो इस तरीके से ये चक्र जो है वो चलता रहता है, जैसे ही भोजन पानी की जो है प्राप्ति हो गई, व्यक्ति जो है वो संतुष्टि की प्राप्ति हो जाती है उसे, उसके लक्ष्य की प्राप्ति उसे हो जाती है, जो कहाँ से प्रारंभ हुई थी, आवश्यकता की कमी से प्रारंभ हुई थी। तो देखिए, आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन जिसे उद्दीपन भी कहा जाता है, ये सभी मिलकर जो है क्या कहलाते हैं, अभिप्रेरक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर ही व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको संतुष्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आवश्यकता जो है ये सबसे पहला अभिप्रेरणा का सबसे पहला चरण है, क्योंकि आवश्यकता के बिना जो है वो व्यक्ति कार्य ही नहीं करेगा और आगे की तरफ प्रेरित तो नहीं होगा, आगे की तरफ जो है अग्रसर नहीं होगा। तो देखिए, आवश्यकता, नीड जिसको शॉर्ट में देखिए एंड लिख दिया गया है, चालक, ड्राइव जिसे डी लिख दिया गया है, प्रोत्साहन, उद्दीपन जो इंसेंटिव जो है इसको आई लिख दिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में यदि आपके आ जाए कि एन, डी और आई इसकी फुल फॉर्म क्या है या इनको क्या कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि एन से जो है नीड है, डी से ड्राइव है और आई से क्या है, प्रोत्साहन या उद्दीपन है। ठीक है, और जब ये तीनों जो है वो मिल जाते हैं तो व्यक्ति जो है संतुष्ट हो जाता है, व्यक्ति जो है वो आगे की ओर बढ़ने को तैयार हो जाता है। तो सबसे पहला देखिए, आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता होने पर व्यक्ति क्रिया करने के लिए प्रेरित होता है, यानी जो नीड है वह सबसे ज्यादा जरूरी होता है व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो आवश्यकताएं दो हैं मैंने बताई आपको, एक तो जैविक या शारीरिक आवश्यकता, जैसे भोजन, पानी, नींद, काम, मल मूत्र, त्याग। ठीक है, तो ये जो पांचों जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जैविक आवश्यकताएं हैं, इनको हम चक्रीय आवश्यकताएं भी कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, इनको चक्रीय आवश्यकताएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये वे आवश्यकताएं हैं जिनका प्रयोग व्यक्ति जीवन में बार बार करता है। इसमें जो काम आवश्यकता जो है ये सबसे कम जरूरी बताई गई है, ये भी आप याद रखें एक लाइन। सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता जो कि सम्मान है, आदर है, सुरक्षा है। दूसरा है चालक जिसे अंतर्नोद प्रणोदन भी कहा जाता है, ड्राइव्स। प्रत्येक आवश्यकता के साथ जो है एक चालक जुड़ा होता है, जैसे कि भोजन की जो कमी है तो उसके साथ जो चालक जुड़ा हुआ है वो क्या है, भूख, जो कार्य लक्ष्य की ओर दौड़ाता है। जब भूख लगती है तो व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट देखें, उद्दीपन या प्रोत्साहन, तो चालक भोजन की प्राप्ति होने पर शांत हो जाता है, जैसे ही भोजन की प्राप्ति हुई वैसे ही चालक जो है वो शांत हो जाता है, जो तनाव की स्थिति वह भी कम हो जाती है। फिर देखिए, फोर्थ है अभिप्रेरक, ये व्यापक शब्द है, इसमें आवश्यकता, अंतर्नोद, तनाव जो है वो समाहित होते हैं, जो क्रिया को प्रारंभ करने, निरंतरता बनाए रखने के लिए कार्य करती है। तो अभिप्रेरणा के स्रोत या मोटिवेशनल साइकिल जो है, जो कि मैंने आपको बताया अभी, इसको बहुत अच्छे से जो है ध्यान में रखना है, इस चित्र को याद रखना है कि अभिप्रेरणा का जो प्रारंभ है किससे होता है, आवश्यकता से होता है, और इस आवश्यकता की जो कमी है, जो व्यक्ति के शरीर में जो भी चीज़ों की कमी है, चाहे वो शारीरिक आवश्यकता है चाहे वो सामाजिक आवश्यकता है, इसको आगे बढ़ाने का कार्य जो है वो चालक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और जैसे ही चालक की प्राप्ति के लिए व्यक्ति जो है वो कार्य करता है, और जैसे ही प्राप्ति हो जाती है तो वह चालक शांत हो जाता है, उसके जो तनाव है उसकी स्थिति में कमी आ जाती है। ठीक है, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो जाती है, और जिस वजह से व्यक्ति जो है वो संतुष्ट हो जाता है, और ये जो चक्र है वो चलता रहता है। उसके बाद देखिए, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तो सबसे पहला है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, विलियम जेम्स ने किया। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, लेकिन व्यवस्थित आधार पर जो अध्ययन किया तो वह किसने किया, विलियम मैकडूगल ने किया 1908 ईस्वी में। तो इसीलिए मूल प्रवृत्ति के जो प्रतिपादक हैं, जनक हैं, पिता जो हैं, वो किसे कहा जाता है, विलियम मैकडूगल को कहा जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में 14 संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। तो आप सभी पढ़ चुके हैं, मैकडूगल का सिद्धांत हम पहले भी
समझ चुके हैं। इन संवेगों से ही मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। ठीक है, मैकडूगल का क्या कहना था कि 14 संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं, तो इन संवेगों से ही मूल प्रवृत्तियों का जन्म होता है। अभी हम जो है संवेग का अर्थ भी देखेंगे और मूल प्रवृत्ति का अर्थ भी देखेंगे। और मूल प्रवृत्ति से ही व्यक्ति जो है वो क्रिया करता है, अग्रसर होता है और प्रेरित होता है। तो मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। तो सबसे पहले देखिए, वह जो संवेग है, इमोशन जो है, इसमें जो विचार उसके सामने आए व्यक्ति के, तो उसको क्या करेगा, दूसरों को बताएगा कि मुझे जो है इस चीज से डर लगता है। तो ये क्या है, उसके इमोशन है। जो विचार उसने अपने लोगों को बताए तो वो क्या है, उसके इमोशन है। ठीक है, और जब उसने इन विचारों का क्रियात्मक रूप प्रस्तुत किया, यानी कि व्यवहार में लेकर आया, तो वह उसकी मूल प्रवृत्ति हो गई। यानी कि जब उसे डर लगा तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या रहेगी, कि वह उस जगह से भाग जाएगा। ठीक है, तो विचारों का जो क्रियात्मक रूप है वह मूल प्रवृत्ति कहलाती है, जो कि उसके व्यवहार में दिखाई देती है। ठीक है, अब डर लगता है तो व्यक्ति क्या करेगा, उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, वहां से भाग जाएगा। उसके बाद देखिए, क्रोध जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, क्रोध आने पर व्यक्ति जो है युद्ध की स्थिति में आ जाता है, वो युद्ध करने को तैयार हो जाता है। ठीक है, तो क्रोध जो संवेग है ये क्या है, विचारों का बाहरी प्रकाशन। क्रोध क्या है, विचारों का बाहरी प्रकाशन। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, व्यक्ति जो है विचारों का क्रियात्मक रूप जो है वो सामने लेकर आएगा, यानी कि वो लड़ाई करेगा। घृणा संवेग की मूल प्रवृत्ति है निवृत्ति, वात्सल्य संवेग की है संतान कामना, ये आपको ऐसे ही याद रखनी है। करुणा संवेग जो है उसकी मूल प्रवृत्ति है शरणागति, यानी किसी की शरण में चला जाना। आश्चर्य संवेग, यानी किसी चीज का जब आश्चर्य होता है, हमारे जो है माइंड में ये थॉट आती है कि अरे ये चीज जो है वो ऐसे कैसे हो गई। ठीक है, या इस चीज में ऐसा क्या है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसको जानने की इच्छा करेगा। ठीक है, अब वो उसको इस तरीके से कार्य जो है वो करके देखेगा कि उस चीज को जान सके जिस चीज के लिए उसे आश्चर्य हुआ था। कामुकता संवेग जो है उसकी मूल प्रवृत्ति है काम प्रवृत्ति। आत्महीनता, यानी कि उसके आत्मसम्मान को यदि ठेस पहुंचती है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके व्यवहार में क्या दिखेगा, कि वह व्यक्ति जो है वो दुखी होगा, ये उसकी मूल प्रवृत्ति होगी। आत्म गौरव जो है इसका संवेग, इस संवेग की मूल प्रवृत्ति है आत्म अभिमान। जब व्यक्ति जो है अकेला होता है, ठीक है, तो एकाकीपन जो संवेग है उसमें वह क्या चाहेगा, कि उसके विचार जो हैं वो क्या होंगे, कि जो है वह किसी समूह में जाकर बैठे। तो एकाकीपन जो संवेग है उसकी मूल प्रवृत्ति होगी सामूहिकता। भूख यदि व्यक्ति को लगती है तो आगे भोजन करने की इच्छा जो है उसकी मूल प्रवृत्ति होगी। स्वामित्व है तो संग्रहण करने की। ठीक है, उसके बाद देखें सृजनात्मक या प्रतिमान। कोई व्यक्ति जो कि क्रिएटिव माइंड का है तो वो अपने विचारों का जो है वो बाहरी प्रकाशन कर रहा है अपने संवेगों के माध्यम से। जब वह उसे उकेरता है अपनी जो है पेंटिंग के जरिए या फिर कोई चीज बनाने में, ठीक है, तो वह मूल प्रवृत्ति क्या है, उसकी रचना। आमोद संवेग की मूल प्रवृत्ति है हंसी मजाक। तो ये 14 संवेगों की 14 मूल प्रवृत्ति हैं जो आप याद रखेंगे, ऐसे ही एग्जाम में पूछी जाती है कि घृणा संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या बताई मैकडूगल ने, निवृत्ति बताई। ठीक है, आश्चर्य संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या बताई, जिज्ञासा बताई। उसके बाद देखिए भावना। भावना क्या है, विचारों का जो आंतरिक रूप है जो कि अभी तक बाहर नहीं आया है, यानी हमारे जो है मस्तिष्क में पैदा होता है, और जब ये विचार जो हैं, जो भावनाएं जो हैं, जो बाहर आती हैं, तो ये संवेग कहलाती हैं। विचारों का बाहरी प्रकाशन क्या है, संवेग है। ठीक है, और ये जो विचार हैं इनका क्रियात्मक रूप क्या कहलाएगा, मूल प्रवृत्ति कहलाएगा। कहते भी है इसकी तो मूल प्रवृत्ति ही ऐसी है, क्योंकि उसने उस कार्य को अपने व्यवहार में लाकर दिखाया। जब हमें पता लगा उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, तो विचारों का क्रियात्मक रूप मूल प्रवृत्ति कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए कि हमारे जो है मस्तिष्क में विचार आया कि आम खाने हैं, तो पेड़ तक जो है वो कैसे पहुंचा जाए, ये जो है विचार आया, हमने अभी किसी को बताया नहीं है। ये क्या है, ये भावना है, व्यक्ति की क्या है, भावना है, जो कि इसके आंतरिक रूप में है, अभी तक ये बाहर नहीं आई है। संवेग क्या है, इमोशन क्या है, जो कि बाहर निकल कर आएगा, यानी व्यक्ति जो है वो सभी को बताता है। ठीक है, उसे जानकारी मिलती है कि वहां तक कैसे पहुंचना है।
आगे जो है वो बढ़ेगा, आगे कार्य करेगा। अब उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, उसका क्रियात्मक रूप क्या होगा कि वो जो है वहां से चलना जो है वो स्टार्ट कर देगा और ये सोचेगा कि अब तो जो है वो खाकर ही रहना है इस पेड़ से आम। ठीक है, तो ये क्या है, उसको जो यहां पर मिली जो, तो वो क्या है, प्रेरणा कहलाएगी, जो कि उसको कार्य करने के लिए आगे धक्का दे रही है, आगे अग्रसर कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल प्रवृत्ति की विशेषताएं। तो सबसे पहले है अचेतन मन में रहती है। मूल प्रवृत्ति कहाँ रहती है, अचेतन मन में रहती है। ठीक है, तो हमने जो है फ्राइड की थ्योरी जो है उसमें देखा था कि चेतन अचेतन और अर्धचेतन क्या होता है। सेकंड नंबर पर मूल प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है। व्यक्ति का जब जन्म होता है उसके कुछ समय बाद ही जो छोटा बच्चा जो होता है वह भी कुछ ना कुछ जो है उसके माइंड में विचार आते हैं, उन विचारों को जो है वो बाहर किसी ना किसी माध्यम से दिखाता है। ठीक है, और जब वह उसको अपने व्यवहार में लाता है तो वह मूल प्रवृत्ति कहलाती है। तो ये जन्मजात होती है, हर व्यक्ति में होती है। मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक है, ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र में है दूसरे क्षेत्र में नहीं, ये सार्वभौमिक है, हर जगह है। मूल प्रवृत्ति का स्वरूप रूप कार्य सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि मूल प्रवृत्ति सार्वभौमिक है लेकिन सभी में समान नहीं होती है, व्यक्ति व्यक्ति में अंतर होता है। इस वजह से मूल प्रवृत्ति जो है वो सभी प्राणियों में अलग अलग होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो भावना है उसके सोचने का तरीका जो है वह अलग होता है, उसके जो भी विचार है उनको बाहर लाने का जो तरीका है वह भी अलग होता है। तो इसीलिए मूल प्रवृत्ति का जो स्वरूप है वो सभी प्राणियों में अलग अलग होता है। मूल प्रवृत्ति जो है वो परिवर्तनशील होती है, स्थिति परिस्थिति देख कर मूल प्रवृत्ति जो है वो परिवर्तनशील होती है। मूल प्रवृत्ति आदतों से भिन्न होती है, ये आदत नहीं है, मूल प्रवृत्ति जो है वो आदत नहीं होती है बल्कि आदतों से ये अलग होती है, और प्रशिक्षण से जो है इसमें सुधार संभव है। जैसे कि क्रोध संवेग है, ठीक है, अब उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी कि व्यक्ति जो है वो लड़ाई करने को आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन हम जो है उसके क्रोध को शांत कर सकते हैं, उसको समझाया जा सकता है, उसको आगे के जो भी क्रोध की वजह से जो भी परेशानियां होंगी उनके कारणों को बताया जा सकता है। ठीक है, तो जिसके कारण जो है उस मूल प्रवृत्ति जो है उसमें परिवर्तन आएगा, उसके जो भी विचार हैं जो भी वो करने की सोच रहा था अब वो नहीं करेगा। तो आदतों से अलग है, तो मूल प्रवृत्ति जो है आदत से अलग है, और जब हम इसे सुधारना चाहें तो हम सुधार सकते हैं। उसके बाद देखिए मूल प्रवृत्ति से व्यवहार जो है व्यक्ति का वो उसे क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, मूल प्रवृत्ति का संबंध किससे है, क्रियात्मक पक्ष से है, भावनात्मक पक्ष से और संज्ञानात्मक पक्ष से है। सबसे ज्यादा किससे है, भावनात्मक पक्ष से है। नेक्स्ट देखिए आवश्यकता का सिद्धांत या अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का जो मांग सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है, अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया है, 1954 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, तो अब्राहम मैस्लो जो है इनको प्रथम मानवतावादी मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति जो है वो प्रेरित कब होता है, जब वह अपनी मांगों या आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रिया करता है। ठीक है, तो व्यक्ति अपनी मांगों आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रिया करने के लिए क्या होता है, हमेशा प्रेरित होता है। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में आवश्यकता के 5 प्रकार बताए, कौन कौन से बताए, तो ये देखिए, तो मैस्लो का जो मॉडल है एक पिरामिड के रूप में उन्होंने दर्शाया है, जिसमें पदानुक्रम के तल में जो है सबसे नीचे शारीरिक मांगों को रखा है। ठीक है, व्यक्ति जो है सबसे पहले कौन सी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्रिया करने के लिए प्रेरित होगा, शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, जो कि उसको जिंदा रखने में सहायक होती है, जैसे कि भूख है, प्यास है, तो इसके लिए जो है भोजन और पानी जो है ये उसकी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए वो है आगे की ओर प्रेरित होता है। तो जैसे ही उसकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो अब उसको किसकी चीज की जरूरत होती है, सुरक्षा की जरूरत होती है, जैसे कि अब थोड़ी बहुत जो है संपत्ति उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल के जो है उसका जो स्वास्थ्य है उस पर भी उसको ध्यान देना है, स्वास्थ्य के लिए वो क्या कर सकता है, रोजगार की तलाश में जो है वो आगे की तरफ क्रिया करेगा, आगे की ओर प्रेरित होगा। तो सबसे पहली जो मांग है वो कौन सी है, शारीरिक मांग है। ठीक है, और जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो तभी व्यक्ति में जो खतरे की सुरक्षा जो है वो उत्पन्न होती है, और
इसके लिए जो है वह कार्य करता है और आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर समाज की मांग, ठीक है। समाज की मांग क्या है? अब व्यक्ति जो है यदि अकेला जीवन व्यतीत करता है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो उसे जो है इसे समाज से जुड़कर रहना पड़ता है, दूसरे से जो है प्रेम करना, उनका प्रेम प्राप्त करना जो है उसे आना चाहिए, तो ये जो है उसकी जरूरत है, ठीक है। तो इसके लिए वह दोस्ती करेगा, जीवन जो है जीवन में आगे बढ़ेगा, संबंध स्थापित करेगा, यानी कि विवाह वगैरह शादी वगैरह करेगा। चौथे नंबर पर है सम्मान की मांग, ठीक है। अब जो है जब समाज में समाज की जो आवश्यकता है, समाज में जो उसकी आवश्यकता है वो उसकी पूरी हो गई है, तो अब उसको क्या चाहिए? सम्मान चाहिए, ठीक है, प्रतिष्ठा चाहिए। तो आत्मसम्मान, हैसियत, तो ये जो है इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर लास्ट में है आत्म सिद्धि की मांग, यानी कि आत्म अनुभूति। तो पदानुक्रम में सबसे ऊपर जो है वो आत्म सिद्धि की आवश्यकता है, जो एक व्यक्ति को अपनी संभाव्यताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरण में परिलक्षित होती है, ठीक है। तो आत्म सिद्धि, व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, ठीक है, और चुनौती के प्रति जो है वो मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति में जो है हास्य भावना होती है, गहरे अंतरव्यक्तिक संबंध बनाने की क्षमता होती है। तो मैस्लो का जो मॉडल है एक पिरामिड के रूप में इन्होंने दिखाया है, और सबसे तल में जो है जो जैविक आवश्यकताएं हैं, शारीरिक मांग जो है इसको रखा इन्होंने, और सबसे उच्च जो है उस स्तर पर किसको रखा? आत्म सिद्धि की मांग को रखा, ठीक है। नोट में देखिए, ये जो सिद्धांत है आवश्यकता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत जो कि मैस्लो ने दिया, इस सिद्धांत को चढ़ाव क्रम सिद्धांत भी कहा जाता है, आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तीसरा देखिए, अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत। तो मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो है वह किसने दिया है? इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड रहे हैं, इनके दो शिष्य एडलर और कार्ल जंग, ठीक है, ये रहे हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा का जन्म जो है किससे होता है? अचेतन मन से होता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अचेतन मन क्या है, जिसमें दमित इच्छाएं व्यक्ति की रहती हैं, और ये जो दमित इच्छाएं हैं व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, क्योंकि व्यक्ति अपनी दमित इच्छाओं को क्या करना चाहता है? पूरा करना चाहता है। तो फ्राइड ने मन के तीन प्रकार बताए थे, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। तो अचेतन मन जो कि 90% भाग अचेतन मन का होता है, मन में इसमें दमित इच्छाएं रहती हैं जो व्यक्ति से निकलती हैं, और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है वो प्रेरित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए सक्रियता का सिद्धांत। तो सक्रियता के सिद्धांत में आपको प्रतिपादक जो है वो याद रखने हैं, सोल्सबरी एवं मेलगो, ठीक है। तो यहाँ सक्रिय व्यक्ति जो है सक्रियता ही क्रिया करने के लिए व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, आगे प्रेरित करती है। तो व्यक्ति जो है उसके व्यवहार में जितनी दक्षता होगी, व्यक्ति जो है जितना कुशल होगा, तो वह उस काम को करने के लिए आगे और प्रेरित होगा। तो व्यवहार की दक्षता पर जो है इसमें सर्वाधिक बल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत, यानी कि संतुलन में है यदि व्यक्ति, यदि व्यक्ति जो है कोई भी कार्य करता है और कार्य करने पर यदि उसका भाव जो है वो जो है संतुलन की स्थिति में है, तो व्यक्ति आगे की ओर जो है कार्य करने को प्रेरित होता है। तो प्रतिपादक कौन है? चैपलिन, कोकर और एप्पल। कोई भी कार्य करने पर यदि संतुलन का भाव है, समायोजन का भाव है, तो आगे की ओर व्यक्ति जो है वो प्रेरित होता है, अर्थात तो व्यवहार में संतुलन व्यक्ति को आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ बस आपको नाम याद रखने हैं, सक्रियता का सिद्धांत जो है किसने दिया? सोल्सबरी और मेलगोव ने। संतुलन स्थैर्य का सिद्धांत जो है किसने दिया? चैपलिन, कोकर और एप्पल ने, और ये सभी अभिप्रेरणा के सिद्धांत हैं। तो अभिप्रेरणा की विधियां या अभिप्रेरित करने के उपाय, ऐसी कौन सी विधियां हैं, ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे व्यक्ति को हम मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभिप्रेरणा जो है ये निश्चय करती है कि लोग कितनी अच्छी तरह से सीख सकते हैं और कितनी देर तक सीखते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है रुचि उत्पन्न करना। सबसे पहले तो जो है बालक जो है उसमें जो है रुचि उत्पन्न करनी चाहिए, ताकि बालक का उस ओर जो है ध्यान आकर्षित हो सके। यदि हम किसी भी कार्य के लिए उसकी जो है इम्पोर्टेंस बता दें कि इससे जो है आपको क्या हो सकता है, इससे आपको जो है कितनी सफलता प्राप्त हो सकती है, ये चीज़ कितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, यदि आपको ये कार्य जो है यदि आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो है ये परिवर्तन आएगा, जैसे ही उसके जो है इंटरेस्ट आ जाएगा
तो बालक जो है उस कार्य को करने के लिए जो है आगे खुद बढ़ेगा। दूसरा है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। यदि हम कंपटीशन कराते हैं तो भी आगे बढ़ने की जो होड़ होती है, या बालक को कहा जाता है कि इस कंपटीशन में आप आगे यदि बढ़ते हैं तो आप जो है वो सफलता की एक सीढ़ी जो है वो पार कर लेंगे। ये जो प्रतिस्पर्धा है ये भी अभिप्रेरणा की सबसे प्रमुख विधि है। थर्ड नंबर पर देखिए सामूहिक कार्य, सहयोग और नवीनता। तो जो ग्रुप वर्क होता है उसमें शिक्षक को जो है सामूहिक कार्यों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड जो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें जो है सामूहिक कार्य पर ही बल दिया जाता है। बालक जो है वो इकट्ठा होकर जो है वो एक किसी प्रोजेक्ट जो है उसको पूरा करते हैं, तो उनमें सहयोग की भावना भी आती है। सामूहिक कार्य के द्वारा जो है वह अंत तक जो है उस कार्य को करते हैं जब तक उन्हें जो है उनकी जो भी प्रोजेक्ट दिया गया है उसकी पूर्ति ना हो जाए। सीवी गुड का क्या कहना था कि किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, उसे जारी रखना और उस पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो सामूहिक कार्य जो है वह भी दे सकता है एक टीचर, जिससे कि बालक जो है वो अभिप्रेरित हो सके। नेक्स्ट देखिए आवश्यकता या परिणाम का ज्ञान। तो ये अभिप्रेरणा चक्र का सबसे पहला चरण है। जब किसी चीज की जरूरत होती है व्यक्ति को, तो जो व्यक्ति है अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रिया करने को आगे प्रेरित होता है, और जब उसे ये भी जानकारी मिल जाए कि इसका जो है परिणाम क्या होगा, उसकी नॉलेज यदि मिल जाए तो वह और भी ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से कार्य करता है। मान लीजिए कि जो है जॉब प्राप्त करना ये क्या है? जरूरत है, आवश्यकता है, और इस जॉब के साथ साथ जो है टीचर द्वारा बालक को ये भी बता दिया जाए कि इसके परिणाम जो है वो क्या निकलेंगे। आपकी आवश्यकता तो पूरी होगी ही, इसके साथ साथ जो है आपका जो है मान सम्मान जो है वह भी बढ़ेगा, आपके माता पिता का जो है सम्मान बढ़ेगा, लोग जो हैं वो आपको बहुत अच्छी निगाहों से देखेंगे, आते जाते लोग ये कहेंगे कि वो देखिए उसने जो है इस चीज़ में महारत हासिल की है। ठीक है, तो आवश्यकता पूरा होने के साथ साथ यदि परिणाम की नॉलेज हो तो व्यक्ति जो है और भी ज़्यादा अभिप्रेरित होता है। प्रशंसा, पुरस्कार, दंड का उचित प्रयोग। तो ये सभी जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा है। जो हमने देखी थी कि प्रशंसा है किसी की जो कि बाहरी तौर पर की गई है, पुरस्कार जो कि बाहरी तौर पर दिया गया है जिसके दबाव में आकर व्यक्ति जो है वो कार्य करने को प्रेरित होता है, दंड यानी दंड के भय से जो है वो कार्य करने को प्रेरित होता है। तो इनका जो है उचित प्रयोग यदि किया जाए तो व्यक्ति जो है वो अभिप्रेरित होता है। यानी इस लाइन का अर्थ क्या है कि व्यक्ति जो है उसकी जो है प्रशंसा की जानी चाहिए कि तुमने जो है बहुत अच्छा कार्य किया है और आगे भी बढ़कर जो है इस कार्य को करते रहना। ठीक है, पुरस्कार यदि दे दिया जाए तब भी वह कार्य करने को आगे अग्रसर होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे हर कार्य के लिए जो है वो पुरस्कार देकर ही उसे आगे कार्य कराया जाए, या फिर उसे जो भी कार्य कराना है तो उसके लिए हमेशा ही उसे दंडित दिया जाए। उचित प्रयोग जो है वो करना आवश्यक है। नेक्स्ट है लक्ष्य, आदर्श सामने रखना। ठीक है, गोल जो है वो यदि सामने है तो व्यक्ति कार्य करने को प्रेरित होता है। सेवंथ है श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग। तो देखिए अभिप्रेरणा की विधियों में सबसे महत्वपूर्ण है श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग। आवश्यकता तो है ही महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ श्रव्य दृश्य साधन भी है। यानी एक टीचर जो है उसको ऐसी चीजों का जो ज्ञान जो है वह बालक को देना चाहिए जिससे कि वो कार्य करने को प्रेरित हो। ऐसी चीजें जो है उसके सामने दिखाई जानी चाहिए जिससे कि वो आगे कार्य को करने के लिए प्रेरित हो। 8th नंबर पर है अध्यापक विद्यार्थी सकारात्मक संबंध। यदि अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में जो है अच्छे संबंध हैं, यानी कि अध्यापक की ऐसी मधुर वाणी जो कि विद्यार्थी को आकर्षित करती है, उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करती है, तो ये भी सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। एक टीचर जो है उसका ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिन विद्यार्थियों को वो पढ़ा रहा है तो उनको हमेशा जो है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा दे। ठीक है, उनके जो है आगे भविष्य के जो भी परिणाम हैं उनके बारे में उनको अवगत कराए, जिससे कि विद्यार्थी जो है उन चीज़ों के बारे में सोचेगा और आगे कार्य करने के लिए खुद से जो है वो अभिप्रेरित होगा। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना। यदि शिक्षा को बाल केंद्रित बना देंगे इसका अर्थ ही यही है कि जो बालक है उसकी रुचि के अकॉर्डिंग जो है वो शिक्षा दी जाए, तो बालक जो है स्वयं ही क्रिया करने को आगे बढ़ेगा। करके सीखने पर बल देना, वही कि बालक जो है उसको करके सीखने पर बल दिया जाना चाहिए कि वो हर कार्य को जो है करके देखे।
नेक्स्ट देखिए पुनर्बलन का प्रयोग यानी कि रीइन्फोर्समेंट। यदि कोई भी कार्य बालक के द्वारा किया गया है, छोटे बच्चे के द्वारा यदि किया गया है, तो उसे जो है शाबाशी ऐसे वर्ड जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो बालक जो है वो आगे छोटा सा जैसे बालक है उसको उसने पोयम सुनाई है, ठीक है, तो उसको जो है शाबाशी दे दी, तो वो क्या करेगा नेक्स्ट टाइम जो है खुद आगे बढ़कर बोलेगा कि नहीं अब मैं ही सुनाऊंगा, इस विद्यार्थी की बारी नहीं बल्कि मेरी बारी आएगी, मैं ही ये जो है कविता एक बार और सुनाऊंगा, ठीक है। तो पुनर्बलन का प्रयोग ये भी अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण विधि है। आत्म अनुशासन का विकास ये क्या है, ये सभी अभिप्रेरणा की विधियां हैं जिनके द्वारा बालक जो है वो प्रेरित होता है कार्य करने को। तो रुचि उत्पन्न करना, प्रतिस्पर्धा, सामूहिक कार्य, सहयोग, नवीनता, ठीक है, लक्ष्य आदर्श सामने रखना, श्रव्य दृश्य साधन का प्रयोग, अध्यापक विद्यार्थी सकारात्मक संबंध, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाना, करके सीखने पर बल देना, पुनर्वलन का प्रयोग करना, आत्म अनुशासन का विकास करना। तो इससे जो है जो बालक है वो ये निश्चय कर लेता है कि हम जो है इस कार्य को अब करके ही रहेंगे यदि जो है इन विधियों को अपनाया जाता है। अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका रहती है, तो देखिए स्किनर की जो परिभाषा है उसमें क्या कहा स्किनर ने कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, ठीक है। यदि किसी चीज को सीखना है तो व्यक्ति को क्या करें, अभिप्रेरित करें, तो ये सबसे उत्तम राजमार्ग है अभिप्रेरणा। तो सबसे पहला देखिए लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, तो देखिए अधिगम की जो प्रक्रिया है यानी सीखने की जो प्रक्रिया है जिससे कि बालक जो है उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, तो अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि मेरे द्वारा आप लोगों को, आप लोगों के लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने के लिए बार बार मोटिवेट करना कि देखिए इन किताबों को पढ़िए, आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा, 100% होगा, ठीक है। तो जिससे कि आपकी अधिगम की प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाती है जब मेरे द्वारा आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि कौन सी बुक जो है वो आपको फॉलो करनी है। तो ये क्या है, ये मोटिवेशन ही है जिसमें लक्ष्य जो भी आपका है वो पूरा हो सके। सेकंड है ध्यान केंद्रित करने में सहायक, तो जो टीचर है वो बालकों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ्य विषय पर केंद्रित करने में हेल्प कर सकता है। थर्ड है मानसिक विकास में सहायक, तो देखिए छात्र को अपनी सीखने की क्रियाओं जो है उसमें प्रोत्साहन देते हैं जो भी प्रेरक होते हैं, और शिक्षक जो है वो प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, और इस प्रकार वह उनके मानसिक विकास में जो है वो भरपूर जो है योगदान दे सकता है। उसके बाद देखिए व्यवहार नियंत्रण करने में सहायक, तो एक जो टीचर है अधिगम की प्रक्रिया में जो बच्चे होते हैं उनकी प्रशंसा करके, उनको पुरस्कार देके, ठीक है, ये जो प्रेरक है इनका प्रयोग करके बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से बालकों के व्यवहार को नियंत्रित कर सकता है, उनको निर्देशित कर सकता है, और जो गलत व्यवहार है उनको परिवर्तित कर सकता है। अधिगम हेतु दिशा निर्देश, तो ये वही बात होगी जो मैंने अभी आपको बताई। 6 नंबर पर देखिए सशक्त अधिगम दिशाओं का निर्माण, तो अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका रहती है कि इससे जो है बहुत ही मजबूत तरीके से जो है जो बालक है वो चीजों को सीखता है और उन दिशाओं की ओर जो है वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की भूमिका क्या रहती है, बालक के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है, चरित्र निर्माण में जो है ये सहायता देता है, ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करता है, ठीक है, मानसिक विकास करता है, उसकी रुचि का विकास करता है, उसके अनुशासन की भावना जो है उसका विकास करता है, सामाजिक गुण जो है उनका विकास करता है, ठीक है, और बालक को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए आगे की ओर प्रेरित करता है। तो आज के वीडियो जो है वो यहीं तक समाप्त करती हूँ क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। अभी छोटा सा एक जो टॉपिक है अभिप्रेरणा में ही, आगे वो हम करेंगे उपलब्धि अभिप्रेरणा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको रिवाइज करें। थैंक यू।